Hello students, good morning, welcome to Dr. AD classes of physics. So, यहाँ पे अब हम डिस्कस करेंगे गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन नंबर 2, जिसका नाम है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज. मुझे इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज की वजह से इसके सराउंडिंग्स में क्या फाइंड आउट करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है बाय यूजिंग व्हाट, गॉस थ्योरम. क्लियर? तो अभी पता है आपको चार्ज इनफाइनाइट है, चार्ज मुझे नहीं मालूम क्या है, तो हम सरफेस चार्ज डेंसिटी यूज करेंगे जिसका सिंबल क्या है आपका, सिग्मा. व्हाट वी कॉल इट एज, सिग्मा. तो ये सिग्मा क्या है आपका, सरफेस चार्ज डेंसिटी, जैसे हमने लास्ट क्लास में यूज किया था लैम्डा फॉर लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो हम यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं, करेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी फॉर ए शीट ऑफ चार्ज. ये शीट ऑफ चार्ज कैसी है देखिए, दिस इज योर शीट ऑफ चार्ज. क्या चार्ज है इस पे, पॉजिटिव चार्ज, जो हम ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज ही एज्यूम करते हैं एवरी टाइम. तो ये शीट आपकी ऐसे रखी हुई है, क्लियर? तो अपने माइंड में जो बोर्ड पे आपको शीट ड्रा कर रखी है एबीसीडी, तो आपकी शीट ये ऐसे रखी हुई है. तो मुझे इस शीट की वजह से इसके सराउंडिंग में क्या फाइंड आउट करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है. चलिए स्टार्ट करते हैं. टारगेट क्या है हमारा, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड. किसकी वजह से, शीट ऑफ चार्ज की वजह से, ठीक है? और यूज क्या करना है हमें, वेरी गुड, यूज करना है हमें गॉस लॉ, गॉस थ्योरम यूज करनी है. और आप सबको पता है, वेरी गुड, कि गॉस थ्योरम को यूज करने से पहले हमें जो हमारा गिवन सिस्टम है उसे हमें क्या करना पड़ता है, जो गिवन चार्ज है उसे हमें क्या करना पड़ता है, क्लोज करना पड़ता है, ठीक है? उस क्लोज करेंगे तो कोई सरफेस ड्रा करेंगे, उस सरफेस को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस बोलते हैं, ठीक है? तो मैं इस शीट, अब आपको ये भी पता है कि पूरे का पूरा अगर सिस्टम कोई इनफाइनाइट है, अगर सिस्टम कोई इनफाइनाइट है तो पूरे का पूरा सिस्टम क्लोज नहीं हो सकता, कोई सरफेस ड्रा बड़ा डिफिकल्ट ड्रा होगा, ठीक है? तो वो पूरा सिस्टम क्लोज करने की जरूरत भी नहीं है, मैं आपको लास्ट क्लास में वो बता चुका हूं, ठीक है? तो हम यहाँ पे क्लोज करेंगे, देखिए कैसे, और सिमेट्रिकल सरफेस क्लोज करेंगे, ठीक है? तो क्लोज कैसे करना है आपको, लेट आई एम क्लोजिंग इट. सो आप सिमेट्रिकल सरफेस अगेन एक पिलर बॉक्स की तरह इसे क्लोज करो, लाइक दिस, ये क्लोज हो गया, ठीक है? तो ये सिस्टम आपका अगेन क्लोज हो गया, और यहां पे भी एक शीट में से क्या कट हो जाएगा, एक सर्कुलर चार्ज कट हो जाएगा. तो ये सर्कुलर चार्ज कहां चला गया, कट हो गया भाई, तभी ये क्लोज सरफेस, ये चार्ज इसके अंदर क्लोज है, लाइक दिस. सो दिस इज योर, जो शीट थी हमारी उसके, उसे मैंने क्लोज कर दिया. सारी शीट को क्लोज करने की कोई जरूरत नहीं है, तो मैंने सिलेंड्रिकल सरफेस, क्लोज सरफेस जो मार्कर है आपका, दिस विल एक्ट एज योर क्लोज सरफेस, क्योंकि इस मार्कर के अंदर जो जे इस शीट का ये सर्कुलर सा पोर्शन कट हो गया, ठीक है, वो इसके अंदर क्लोज हो गया, वो उस मार्कर के अंदर क्लोज है वो शीट ऑफ, वो पीस ऑफ सर्कुलर पार्ट, ठीक है? तो वही शीट ये रही आपकी, और वो पीस आपका ये रहा पॉजिटिव शीट. इतना जो सिस्टम है हमारा इस गॉसियन सरफेस, इस मार्कर के अंदर, इतना मैं दिखा तो नहीं सकता, ठीक है? आपको ये दिख रहा है कि अज्यूम कर लो अपने माइंड में कि जो बोर्ड पे पिक्चर ड्रा हो रखी है वो ऐसी है, और वो जो आपका ये स्मॉल पार्ट ऑफ पोर्शन ऑफ चार्ज शीट का जो कट हो गया, इनफाइनाइट पार्ट का स्मॉल एलिमेंट कट हो गया, वो इस मार्कर के अंदर क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया, ठीक है? ये आउटवर्ड है, ठीक है? तो इसका जो रिजल्ट आएगा, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी हमारी सराउंडिंग में, वो सारी इस शीट की वजह से भी उतनी ही होगी. क्लियर? तो भाई क्लियर हो गया आप सबको, एज्यूम लाइक दिस इन योर माइंड फॉर फर्दर डिटेल, ठीक है? अभी एज्यूम कर लो अपने माइंड में अच्छे तरीके से. अभी देखो, अब इसके ना तीन सर्फेस हो गए, तीन सरफेस, फिर क्लोज सरफेस के कैसे हो गए, एक तो ये लेफ्ट वाला सर्कुलर पार्ट, ठीक है, एक राइट वाला सर्कुलर पार्ट, और एक इन बिटवीन सर्कुलर पार्ट, ये का और पार्ट गॉसियन सरफेस का. तीन सरफेस हो गए अगेन, जो हमारे लास्ट क्लास में भी आए थे ऐसे ही हुए थे, टॉप वहां पे टॉप बॉटम उस कर्व्स, और यहां पे लेफ्ट सर्कुलर, राइट सर्कुलर एंड कर्व सर्फेस,
जिसके अंदर ये छोटा सा चार्ज इंक्लोज्ड है। क्लियर होगा भाई, जो गॉस थ्योरम की जो हमारी कंडीशन थी वो हमारी अचीव हो चुकी भाई, यहां से मिटाने का मतलब है वो क्लोज्ड हो गया अंदर। क्लियर हो गया, तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है इस सिस्टम की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो गॉस थ्योरम की कंडीशंस हमने अचीव कर ली बाय दिस सरफेस इज हियर, दिस सरफेस क्या बोलेंगे इसको, दिस सरफेस इज हियर गॉसियन, गॉसियन सरफेस। तो कौन सा सरफेस आपका, ये गॉसियन सरफेस है जिसने शीट के पीस को चार्ज को इंक्लोज्ड कर लिया। क्लियर हो गया भाई, यहां पे अगेन थ्री पोर्शन में डिवाइड हो गए ये। फर्स्ट पोर्शन इसको मान लो, दिस इज योर फर्स्ट पोर्शन, यस दिस इज योर सेकंड पार्ट एंड दिस विल एक्ट एज योर थर्ड पोर्शन। तो ये कर्व पोर्शन आपका क्या है, आपका दिस कर्व पोर्शन विल एक्ट एज योर थर्ड पोर्शन। ठीक है, तो फर्स्ट पोर्शन हो गया आपका लेफ्ट साइड वाला, राइट साइड वाला सेकंड और थर्ड वाला ये। अभी आपको पता है इसका एरिया, सरफेस एरिया अगर एस है, इसका भी एस सी होगा, तो इसका भी एस सी होगा, तीनों का एस सी होगा ना, एस सरफेस एरिया सिमेट्रिकल सिस्टम। और जो हमारा ये शीट से, शीट को जो शीट है ना हमारी, वेरी थिन शीट है, आपको दिखा है थिन, ये थिकनेस आपको दिख रही है, बट यहां तो ये थिकनेस भी नहीं है। क्लियर, तो वेरी थिन थिकनेस है ये आपकी। ठीक है, तो ये डिस्टेंस है ना, जो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, दोनों साइड से डिस्टेंस कितना है इसका, आर डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस है भाई, ये डिस्टेंस आर, और ये भी जो डिस्टेंस है आपका, ये भी कितना है आपका, आर डिस्टेंस है। क्लियर, शीट के पोर्शन से और इस पोर्शन से जो आपका डिस्टेंस है, लेफ्ट टूवर्ड लेफ्ट साइड और टूवर्ड राइट साइड, ये आपका डिस्टेंस दोनों क्या रहेंगे, ये भी आर है आपका, और ये डिस्टेंस भी क्या है आपका, ये डिस्टेंस भी आर है, और ये भी आपका आर डिस्टेंस है। क्लियर हो रहा है आपको, तो मुझे इस सिस्टम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। सो लेट अस स्टार्ट अगेन, हमने तीन पोर्शन में डिवाइड कर दिया, सो हम गॉस थ्योरम को यूज करना अब हम शुरू करेंगे। तो आपको लिख लेना है, कंसीडर एन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज ए बी सी डी हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। क्लियर, नाउ टू अप्लाई गॉस थ्योरम वी नीड ए क्लोज सरफेस, नाउ ड्राई सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस हैविंग सरफेस एरिया एस at both the ends, so as shown in the diagram, ठीक है। और इसके अंदर कोई ना कोई ये चार्ज इंक्लोज्ड है, मैंने आपको पहले बताया छोटा सा पीस सर्कुलर पार्ट, वो चार्ज इंक्लोज्ड है, वो चार्ज कैलकुलेट करेंगे कितना इंक्लोज्ड है। ठीक है, तो पहले हम शुरू करते हैं गॉस थ्योरम से, वी नो ई डॉट डी एस, सिमिलर मेथड है भाई, सिमिलर वे है, हमें कुछ नया नहीं करना है यहाँ पे। क्लियर, ये हो गया हमारा, इसको आप फर्स्ट मार लो, ये हमें गिवन है, ये हमें यूज करना है। तो आप लेफ्ट हैंड साइड लो, टेक लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड जो आप लोगे तो आपके पास क्या है, ये क्लोज सरफेस की, ये पूरी शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, शीट की वजह से या क्लोज सरफेस की वजह से, क्लोज्ड सरफेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, दिस इज गॉसियन सरफेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो ये रही। और आपको फिर दिख रहा होगा ये क्लोज सरफेस तीन पोर्शन से बना है, एक दो तीन, अगर तीनों होंगे तभी ये क्लोज रह पाएगा ना, तो इस क्लोज सरफेस को क्या लिख सकते हैं हम, अगेन आई राइट इन द सेम वे, फर्स्ट सरफेस प्लस ई डॉट डी एस, ये कौन सा होगा, सेकंड सरफेस, ये कौन सा होगा आपका, ई डॉट डी एस थर्ड सरफेस। भाई अब यहां पे क्लोज नहीं डालना, क्योंकि इन तीनों को ऐड करने के बाद ही ये आपका क्लोज सरफेस कंप्लीट होगा। क्लियर हो गया, यहां पर एस वन एस टू ऐसा कुछ नहीं लेना, क्योंकि ये सारे आपके इतना सरफेस एरिया इसका होगा सिमेट्रिकल, उतना ही शीट का पोर्शन कट होगा, उतना ही उतर जाएगा। ठीक है, तो धीरे धीरे चलो चलो आप डायग्राम के पास आ जाओ, क्योंकि मुझे डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करनी है, तो वेक्टर्स की जो बीच का डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा आएगा, तो मुझे एंगल देखना है, दोनों की डायरेक्शन देखनी है कहां जाएगी। अब चलिए फिर से, अभी आप लेफ्ट, पहले फर्स्ट पोर्शन की बात करो, फर्स्ट पोर्शन की अगर हम बात करें तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा, इसका एरिया वेक्टर कैसा होगा, इसका एरिया वेक्टर आउटवर्ड, वेरी गुड, तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, आउटवर्ड। दिस इज योर फर्स्ट सरफेस का डीएस एरिया वेक्टर, स्मॉल पोर्शन जो टोटल स्मॉल एरिया वेक्टर से ही रहेगा। ठीक है, और शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है आपकी, अवे फ्रॉम, मैं इस साइड पे काम कर रहा हूं
away from electric positive charge, तो electric field की direction भी क्या होगी आपकी same towards this side, clear? ठीक है भाई, उसके बाद next चले second surface के पास, आ जाओ second surface के पास। अब second surface पे देखो इसका area vector की direction किधर होगी, ये वाले area vector close circular path की, out again towards this talk outward, ये है आपकी direction ds vector, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड और पॉजिटिव चार्ज इस साइड पे है, तो मैं यहां पे काम कर रहा हूं, तो डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज की वजह से आउटवर्ड, तो ये डायरेक्शन रही आपकी किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एट डिस्टेंस आर, ठीक है। क्लियर हो गया भाई, ये दोनों की एस वन एस टू क्लियर हो गया। अब थर्ड पोर्शन की बात करो, ये थर्ड पोर्शन कौन सा है, ये कर्व सरफेस, ये कर्व सरफेस आपका था भाई, यहां पे डीएस कट कर लो, कुछ भी कर लो, डायरेक्शन इधर ही रहेगी आपकी, ठीक है। ये आपका थर्ड पोर्शन है, अब थर्ड पोर्शन ये रहा, अब थर्ड पोर्शन में यहाँ पे कोई ना कोई आप थर्ड पोर्शन पे यहाँ पे कोई ना कोई स्मॉल पोर्शन कट कर लो, नीचे कर लो, ऊपर कर लो, उधर कर लो, कहीं भी कर लो, स्मॉल पोर्शन कट कर लिया, क्यों किया, डीएस चाहिए है ना। उस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किधर होगी, इसकी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आउटवर्ड, क्योंकि नीचे तो इनवर्ड चली जाएगी, पर पेंडिकुलर भी रहती है, ध्यान रखना ऐसे उसे नहीं करना, यहां से कट किया, अगर यहां से कट किया तो ऐसे होती, ठीक है, यहां से कट किया तो ऐसे है, यहां से कट कर रहा हूं तो ऐसे है, नीचे से कट कर रहा हूं तो ऐसे होगी डायरेक्शन, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस साइड पे ही है, तो चाहे ऐसे कट करो, ऐसे करो, ऐसे करो, नीचे करो, ऑलवेज एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है। तो ये रहा आपका डीएस वेक्टर ऊपर साइड कर्व सरफेस का, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी हमने ट्राई कर रखी है टूवर्ड्स दिस साइड, तो इसका एंगल कितना हुआ क्लियरली 90 डिग्री, और इन दोनों का यहां पे थीटा कितना हुआ 0 डिग्री, और यहां पे थीटा कितना हुआ अगेन 0 डिग्री, बिकॉज यहां पे दोनों वेक्टर पैरेलल हैं, यहां पे भी पैरेलल है और यहां पे परपेंडिकुलर है, क्लियर। तो चलिए आसानी से समझ आ गया होगा मुझे उम्मीद है, तो चलिए अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए यहां पे क्या करोगे आप, ई डी एस पहले सरफेस के बीच में एंगल कितना है आपका cos 0 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट चलिए सेकंड की सरफेस के बीच में ई डी एस कितना आएगा यहां पे, सेकंड में कितना है अगेन 0 डिग्री, ठीक है। थर्ड पे चले, थर्ड सरफेस पे कितना है ई डी एस cos 90 डिग्री, ठीक है, थर्ड सरफेस पे आपका 90 डिग्री। अब इसको ओपन करो, EDS cos 0 कितना होता है 1, वेरी गुड, cos 0 कितना होगा आपका EDS 1, और सेकंड भी कितना होगा आपका cos 0 1, और थर्ड वाले पोर्शन की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 0, बिकॉज cos 90 इज 0, वो खत्म हो जाएगा आपका, तो थर्ड वाला पोर्शन खत्म हो गया, तो लेफ्ट क्या रहा हमारे पास ओनली फर्स्ट पोर्शन एंड सेकंड पोर्शन, लेफ्ट पोर्शन एंड राइट पोर्शन, जो कर्व पोर्शन की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स थी वो हमारी खत्म हो गई एंगल 90 की वजह से, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे भी डिस्टेंस आर पे बात कर रहे हैं, यहां पे भी डिस्टेंस आर पे बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगी डीएस, और यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ जाएगी सरफेस टू डीएस भाई, ओके क्लियर, उम्मीद है अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो राइट करने के लिए, राइट अप करने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट चलें, इसको इरेज कर देते हैं, इसका कोई काम नहीं रहा, ठीक है। तो क्या बचा हमारे पास, ये बचा, इसको इसकी इसी को तो ओपन किया ई एस इट इज, और डीएस की जब इंटीग्रेशन करेंगे, बहुत बार बात कर चुके, टोटल सरफेस एरिया आएगा, किसका आएगा फर्स्ट का, वो कितना ले रखा हमने ऑलरेडी डायग्राम में, एस अज्यूम किया है टोटल सरफेस एरिया, और सेकंड में भी कितना सरफेस है इसका, वो भी एस ही होगा सिमेट्रिकल सिस्टम, तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2es आ गई भाई, पाई आर स्क्वायर पुट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बाद में देखिए आप एस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गया हमारे पास, कितनी आ गई 2es आ गई, 14 1, इसको आप मानी में पुट कर लो, तो आपके पास क्या आ गया 2es इज इक्वल टू चार्ज बाय अपसाइड नॉट, क्लियर हो गया ये यहां तक भाई, समझाने में समय लगता है और करने में तो फिनिश 2-3 मिनट्स में फिनिश हो जाएगा, ज्यादा समय नहीं लेना हमें, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट हो गया,
आल्सो जो आपकी पता है आपको सिग्मा, व्हाट इज सिग्मा, सिग्मा इज योर सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी मींस चार्ज पर यूनिट एरिया, क्यों क्यों किसका एरिया है, ये सब इसका एरिया है, इसका एरिया ठीक है। और जो पहले एस वन ये एस था और ये एस था, ये किसका एरिया था, इस साइड का और इस साइड का, इसका भी एरिया कितना है, उतना ही पोर्शन कटेगा जितना इनका एरिया होगा, क्लियर। तीनों का एरिया क्या है आपका सेम है, इसलिए यहां पे भी एस सी आएगा। ये क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, चार्ज इंक्लोज्ड बाय योर गॉसियन सरफेस, जो इस पे चार्ज इंक्लोज्ड है हमारे छोटे से पोर्शन पे, वो कैलकुलेट करने जा रहे हैं यहां पे बाय यूजिंग सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो कितना आ गया ये, सिग्मा एस आ गया, ठीक है। तो आप इसको ऊपर वाली इक्वेशन में यूज करो, ठीक है। तो ऊपर वाली इक्वेशन में यूज करोगे तो कितना आएगा आपका, देखिए इसको यहां यूज कर लो भाई, ठीक है। उसके बाद कितना आ गया, 2ES चार्ज की वैल्यू सिग्मा एस बाय एप्सिलॉन नॉट एस, एस आपका कैंसिल हो गया। देखिए अगर आप पहले पुट कर देते तो यहां पुट करना पड़ता तो एक ही बात ही ना, कैंसिल ही हो जाएगा, तो एस और एस हो गया कैंसिल। तो एक्टिविटी कितनी आ गई आपकी, सिग्मा बाय 2ε0। तो ये रही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस, इसको पॉइंट कोई भी ज़ूम कर लो, पी पॉइंट ज़ूम कर लो, यहां भी पॉइंट पी है, अगर इधर देखो चाहे एट डिस्टेंस आर, इधर देखो उधर देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रहेगी आपकी, सेम रहेगी। उस साइड जाओ शीट के, ये रही शीट आपकी, शीट के चाहे इस साइड देखो, इस साइड देखो, एट एनी डिस्टेंस देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है आपकी, सेम, क्योंकि ये डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, कितना आ रहा है हमारे पास, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। यहां तक वो डिस्टेंस की बात हो रही है, इसकी सिर्फ चार्ज डेंसिटी की बात हो रही है, ठीक है, वो शीट टू शीट वेरी करती है, ठीक है। तो यहां पे अभी डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं रहा, डिस्टेंस पे डिपेंड क्यों नहीं रहा मालूम है, क्योंकि ये शीट क्या है आपकी, नॉट दिस पीस ऑफ शीट, ठीक है, आपकी शीट बहुत इनफाइनाइट बड़ी शीट है आपकी, और जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं वो वेरी क्लोज टू शीट फाइंड आउट कर रहे हैं, तो वो डिस्टेंस जो आर है आपका बहुत नेग्लिजिबल हो जाता है, बहुत कम हो जाता है इस शीट के कंपैरिजन, ठीक है, इस पूरी फुल शीट के कंपैरिजन आपका जो डिस्टेंस आर है, ठीक है, वो बहुत नेग्लिजिबल हो जाता है, इसलिए आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिस्टेंस पे डिपेंडिंग नहीं करती। तो ये आपको प्रूफ भी हो गया हमारा, है ना। तो ये रहा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, यहां पे लिख दो आप डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है आपकी, अवे फ्रॉम शीट, ये तो पहले ही मालूम है हमें, ठीक है, कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होती है, अवे फ्रॉम दी शीट, इस साइड उस साइड कहीं बात करो, यहाँ एन कैप डाल दो और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन लिख दो, एन कैप है, ठीक है, उस साइड डाल दो एन कैप, नो प्रॉब्लम। तो ऑलवेज अवे फ्रॉम शीट ऑफ चार्ज, और ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करते, मोस्ट इंपॉर्टेंट खासियत है इस शीट की कि ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करते। अब तक जितने हमने कंसेप्ट किए, डाइपोल हो, सिंगल शीट ऑफ हो, लीनियर शीट जो पिछला आर्टिकल था हमारा, हाँ, सभी पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपके डिस्टेंस पे वेरी करती है, डिपेंड करती है, बट यही आर्टिकल है, यही एक आर्टिकल है शीट, याद रखना, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपके डिस्टेंस पे, शीट के शीट से डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती। तो दिस इज योर फाइनल रिजल्ट, हमारा सॉल्व हो चुका, क्लियर हो गया। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ना इसके कुछ स्पेशल केसेस हैं, ठीक है, स्पेशल केसेस हैं, वो आप समझिए, वो स्पेशल केसेस भी हैं, उसको अलग से आर्टिकल का नाम भी दे सकते हो, कुछ भी कह सकते हो आप, ठीक है, बस आप समझ लो आप। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, ये तो हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, यहाँ पे हम जो कर रहे हैं स्पेशल केस, स्पेशल केस देखो या नेक्स्ट आर्टिकल का नाम दे दो आपकी मर्जी, क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पैरेलल इनफाइनाइट प्लेन शीट्स ऑफ चार्ज। अब हमारे पास एक शीट नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पैरेलल टू इनफाइनाइट प्लेन शीट्स ऑफ चार्ज, हमारे पास टू शीट्स हैं, दोनों पैरेलल हैं, उसकी वजह से हमें क्या फाइंड आउट करनी है, अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। अब इस क्वेश्चन पे ये भाई ये शीट है आपकी एक, ठीक है, और दूसरी शीट आपकी फेल, ठीक है, ये चार्ज आपका पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये भी आपकी पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है,
ठीक है। अब देखिए ये रही आपकी टू शीट ऑफ चार्ज, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए, यहां पे मुझे अब डायरेक्टली गॉस सियरम लगाने की कोई जरूरत नहीं है, स्पेशल केस का मतलब डायरेक्टली सॉल्व करना है हमें, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, इस शीट दो, पहले एक शीट थी, ठीक है, एक शीट की वजह से इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, इस साइड कितनी है, वो सेम है, हमने ड्राइव किया कितना, सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट। इसकी चार्ज डेंसिटी मान लीजिए पहले सिग्मा वन है, इसकी मान लीजिए चार्ज डेंसिटी सिग्मा टू है, ठीक है, चलिए दोनों की मान लीजिए चार्ज डेंसिटी अलग अलग है, पर ये दोनों पैरेलल है, ठीक है। अब डायरेक्टली सॉल्व कैसे करोगे, आपको पता है इसकी वजह से इसको शीट का नाम दे दो वन शीट, इसको नाम दे दो शीट नंबर टू, क्लियर। अब शीट वन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी है, सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और शीट टू की वजह से जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, सिग्मा टू बाय टू एप्सिलॉन नॉट। तो कॉन्स्टेंट है ना, कॉन्स्टेंट है, मीडियम वैक्यूम है आपका, एयर मीडियम है। सिग्मा वन क्या है आपका, वेरी गुड, सिग्मा वन चार्ज डेंसिटी ऑफ सल्फेट चार्ज डेंसिटी ऑफ फर्स्ट शीट, सिग्मा टू सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ योर सेकंड शीट, क्लियर। दोनों की वैल्यू प्रीवियस आर्टिकल से अभी जो हमने किया उसका उसकी वजह से आ गई, यहां देखो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो रही, यहां देखो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये रही, यहां देखो इसकी वजह से वो होगी, यहां इसकी वजह से यहां देखो तो वो रही इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, हमें मालूम है। तो अब पैरेलल शीट्स हैं, अभी देखिए तीन रीजन डिवाइड फिर से अपने आप हो गए, कौन से, एक तो ये दोनों शीट के बीच का रीजन, दोनों शीट के बीच वाला रीजन, और एक इस शीट के इस साइड वाला रीजन, इस शीट के इस साइड वाला रीजन, तीन शीट में डिवाइड, तीन रीजन्स में डिवाइड हो गया हमारा जो प्रॉब्लम है। इसको हम नाम दे दो आप, इसको नाम दे दो आप रीजन वन, इसको नाम दे दो आप रीजन टू, इसको नाम दे दो आप रीजन थ्री, क्लियर है, तीन रीजन में डिवाइड हो गया, इन बिटवीन टूवर्ड दिस साइड शीट एंड टूवर्ड्स दिस शीट। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज मुझे पहले ही मालूम है जो हमने अभी ड्राइव किया। अभी देखिए अगर तो मैं अब यहां पे कुछ अजम्पशंस लगानी है हमें, अजम्पशंस नहीं लगानी मतलब जो है उसको अजम्पशंस बोलो कैसे भी बोलो, हमें सपोज करके चलना है कि हम अगर इस साइड जा रहे हैं तो वो नेगेटिव, इस साइड जा रहे हैं तो पॉजिटिव। अगर भाई एक ही आर्टिकल में अगर दोनों साइड जाएंगे तो एक को तो पॉजिटिव दूसरे को नेगेटिव लेना ही पड़ेगा ना, क्योंकि दोनों डायरेक्शंस ऑपोजिट हैं, सेम एज मैथ यार, ठीक है। जैसे आप ओरिजिन से जा रहे हो इस साइड पे तो पॉजिटिव लेते हो, इस साइड क्या लेते हो आप, नेगेटिव। अगर साइमल्टेनियसली मुझे एक ही क्वेश्चन में मूव करना है, ठीक है, फिजिक्स में, तो एक साइड को मैं क्या लूंगा पॉजिटिव, एक को मैं क्या लूंगा नेगेटिव। अब जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी उस डायरेक्शन में जाएगी तो वो नेगेटिव होगी, जो भी इलेक्ट्रिक आपकी इस डायरेक्शन में जाएगी तो वो पॉजिटिव होगी, ये हमने एज्यूम कर लिया, ठीक है। तो एज्यूम क्या कर लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग नेगेटिव एक्सिस इज टेकन एज नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग पॉजिटिव एक्सिस इज टेकन एज पॉजिटिव, क्योंकि भाई इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों बहुत क्लोज रखी हुई है, पैरेलल है, तो दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को इंटरफेयर करेंगी, ठीक है, करेंगे। तो मुझे डायरेक्शंस में ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सी, किस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है, किस डायरेक्शन को नेगेटिव लेना है। तो इस डायरेक्शन को हम क्या ले रहे हैं अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स, नेगेटिव, ठीक है, इस डायरेक्शन को क्या ले रहे हैं हम, पॉजिटिव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, तो पहले तो हम बात करते हैं इन रीजन वन में, सॉल्व करते हैं डायग्राम से ही सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, इस आर्टिकल को डायग्राम से ही सॉल्व कर लेते हैं, लिखने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, लिख तो आप लोगे। रीजन वन में चले, तो रीजन वन में अगर मैं यहां पे बात कर रहा हूं, यहां पे अगर मैं बात करूं तो इस शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, टू अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज होगी, तो दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड ई वन, क्लियर। और इसी रीजन में इस शीट की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो भी किधर होगी, टूवर दिस साइड, वो भी इस साइड होगी, ई इलेक्ट्रिक फील्ड टू सेकंड शीट, इस साइड पता है ना भाई क्यों होगी, क्योंकि सेकंड शीट की वजह से भी क्या है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, अवे फ्रॉम पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, अवे फ्रॉम, ठीक है, तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में चलेगी, ठीक है। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कहां क्या आ गई, ई रीजन वन में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई आपकी, ई वन प्लस ई टू, दोनों को ऐड क्यों किया, बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन,
बट बोथ अजम्पशन के अकॉर्डिंग अगर इस साइड जा रहे हैं तो क्या आएंगे, नेगेटिव, तो ये ऐड तो होगी बट विद नेगेटिव साइन, क्योंकि नेगेटिव एक्सिस की तरफ जा रहे हैं, तो माइनस सिग्मा वन ओवर टू एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा टू ओवर एप्सिलॉन नॉट, बस हो गया सॉल्व, हो गया सॉल्व, ये रिजल्ट आ गया हमारा इनविजन वन में, ठीक है। इनविजन टू में बात करते हैं, इसको टू माना हमने, टू की बात करते हैं। अब यहां पे आ जाओ, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पहली शीट की वजह से कितनी होगी, इस साइड होगी अवे फ्रॉम शीट भाई, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड टू फर्स्ट शीट, ठीक है। अब सेकंड शीट की वजह से भी किस साइड होगी, इस साइड ही होगी, ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है तो अवे फ्रॉम, अगर यहां पर बात कर रहा हूं मैं तो इस साइड जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम, अगर इस साइड बात करो तो इस साइड जाएगी अवे फ्रॉम, दूर जाना है हमने, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से, तो ये हो गया। तो यहां पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन टू में कितनी आई, ई वन फर्स्ट शीट सेकेंड शीट दोनों पे ऐड कर दो, अब दोनों इस डायरेक्शन में है आपका, फिर मैथमेटिक्स नेगेटिव या आपका पॉजिटिव, जैसे हमने उसको दोनों को नेगेटिव लिया, इन दोनों को क्या लेना पड़ेगा, एक ही आर्टिकल है पॉजिटिव लेना पड़ेगा, दोनों पॉजिटिव होंगे तो है ही पॉजिटिव, ठीक है, वैल्यू पुट कर दो, सिग्मा वन बाय टू एप्सिलॉन नॉट सिग्मा टू बाय टू एप्सिलॉन, ये रही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड टू सेकेंड शीट सेकेंड रीजन, ठीक है। अब थर्ड रीजन, दो इन दोनों के बीच का जो रीजन है वहां पे बात करें, अब यहां पे ध्यान देना थोड़ा सा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए फर्स्ट शीट की अगर मैं बात करूं तो इसकी वजह से अवे फ्रॉम किधर होगा, इस साइड होगा, तो ये रही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड टू फर्स्ट शीट अवे फ्रॉम, ठीक है, इसकी वजह से अगर यहां बात देखनी हो इलेक्ट्रिक फील्ड तो किधर जाएगी, ये अवे फ्रॉम सेकेंड शीट, तो ये जाएगी आपकी इस साइड, ठीक है भाई, हमने अवे फ्रॉम जाना है पॉजिटिव शीट, डायरेक्शंस आर मच मच इंपॉर्टेंट इन फिजिक्स, ध्यान दीजिए वेक्टर की तरफ, ठीक है, तभी सॉल्व हो पाएंगे आपसे, इन शॉर्टकट में भी आप कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव भी सब्जेक्टिव में तो करना ही पड़ेगा, तो क्लियर हो गया, फर्स्ट शीट की वजह से अवे फ्रॉम, सेकेंड की वजह से अवे फ्रॉम, तो ये देखिए इसको क्या लेना पड़ेगा, ई वन की जो वैल्यू होगी, तो दोनों क्या कर, दोनों को क्या करना पड़ेगा, डायरेक्शन ऑपोजिट है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्लियर ना, और सब्ट्रैक्ट अपने आप हो जाएंगे, अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले पॉजिटिव ले रखा हमने, ये नेगेटिव डायरेक्शन ज़ूम की है, ठीक है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्शन हो जाएगी, ई वन माइनस ई टू, तो वैल्यू क्या आएगी आपकी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड थी थर्ड रीजन, थर्ड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई हमारी, वेरी गुड, ई वन की वैल्यू कितनी है, सिग्मा वन बाय टू एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा टू बाय टू एप्सिलॉन नॉट, ये लीजिए हमारा आर्टिकल फिनिश हो गया पैरेलल शीट की वजह से, ठीक है, इसको सेपरेट आर्टिकल का नाम दो या इसका स्पेशल केस दो आपकी मर्जी, तो हमें फिजिक्स समझनी है इन चीजों में, नहीं उलझना, ठीक है, ये आर्टिकल खत्म हो गया पैरेलल वाला। अब इसके भी स्पेशल केसेस आ गए टू टाइप्स के, अगर देखिए मैंने पॉजिटिव लेकर ड्राइव किया है ना, ठीक है, तो दोनों शीट पॉजिटिव भी हो सकती है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव भी हो सकती है, दोनों नेगेटिव वाला तो केस सेम ही रहेगा जैसे पॉजिटिव का होगा, ठीक है, दोनों पॉजिटिव या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो मान लीजिए पहले दोनों पॉजिटिव हैं, अब इसका जो स्पेशल केस है ना, इस आर्टिकल का स्पेशल केस, ये तो हो गया, ठीक है, अब इस आर्टिकल का स्पेशल केस जो है, स्पेशल केस इस आर्टिकल का, ठीक है, तो वो क्या लिखेंगे, सिग्मा वन, दोनों की चार डेंसिटी मान लो क्या है आपकी सेम, सपोज दोनों की चार डेंसिटी क्या है आपकी सेम है, तो देखिए अगर सेम चार डेंसिटी है तो फर्स्ट रीजन में इसी आर्टिकल में के फर्स्ट रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितनी आएगी, माइनस सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन, कितना आ गया ये हमारा, माइनस सिग्मा बाय कितना आएगा, माइनस सिग्मा बाय एप्सिलॉन, ये आ गया हमारा फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ठीक है, और सेकेंड रीजन में कितना आएगा आपका भाई, पुट करो सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन, ये तो हमारा कैंसिल हो गया, जीरो ही आ गया सेकंड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड, और थर्ड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा हमारा, ये सेम आ जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन, बस यहाँ पे प्लस साइन आ जाएगा, ठीक है, तो ये छोटा सा एक स्पेशल केस है जो मच इम्पोर्टेंट है, अगर चार डेंसिटीज आपकी क्या रखे हम सेम रख लें, चार डेंसिटी सिग्मा दोनों की एक ही चार डेंसिटी हो सेम, ठीक है, तो क्या रहेगा आपका उस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, वो नेगेटिव की तरफ जा रही है तो नेगेटिव अपने पास है, ये पॉजिटिव की तरफ जा रही है
वैल्यू सेम है सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, इस साइड तो वो पॉजिटिव है ठीक है, और बीच में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है ठीक है। अगर हम टू पैरेलल शीट्स की बात करें ठीक है, ये पैरेलल शीट्स है ना, दोनों पॉजिटिव अगर हैं और दोनों की चार्ज डेंसिटी अगर सेम है तो इन दोनों के बीच में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहेगी, क्योंकि भाई चार्ज डेंसिटी से ही तो डिफरेंस पड़ रहा था। अगर चार्ज डेंसिटी ही सेम होगी डायरेक्शन ऑपोजिट है तो कैंसिल हो गया ना, जीरो हो गया, तो बीच में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहेगी, दोनों साइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, इस साइड भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी आपकी सेम रहेगी, वो वैल्यू कितनी होगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और अब अगर हम अज्यूम कर लें कि एक शीट आपकी पॉजिटिव और सेकेंड शीट आपकी क्या रहेगी, सेकेंड शीट मान लो ये आर्टिकल तो खत्म कर दे स्पेशल केस वाला ठीक है। अब अज्यूम कर लो आप एक शीट आपकी मान लीजिए ये शीट आपकी पॉजिटिव है और सेकेंड शीट आपकी कौन सी है नेगेटिव। वेरी गुड, ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है कैपेसिटर्स के लिए, स्पेशली कैपेसिटर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बार बार यूज करेंगे वो कहां से आएगा, यहां से आएगा ठीक है। एक शीट आपकी पॉजिटिव, ये दूसरी शीट को अगर आप एज्यूम कर लो यहां पे इस आर्टिकल में एज्यूम कर लेना आप, ये आपकी कौन सी शीट है मान लीजिए नेगेटिव शीट है, तो हमें कुछ नहीं करना, आर्टिकल ड्राइव कर रखा है हमने सिग्मा वन तो पॉजिटिव, सिग्मा टू नेगेटिव चार्ज डेंसिटी, वैल्यू फिर पुट कर दो वहां पे, ई वन पुट करो कितना आएगा माइनस कॉमन सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, ये देखिए कैंसिल हो गया जीरो, तो ई वन की वैल्यू कितनी आएगी जीरो, ई टू की वैल्यू भी कितनी आएगी आपकी सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, भाई ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो कैंसिल हो गया फिर जीरो आ गया, और ई टू की वैल्यू भी कितनी आ गई आपकी जीरो आ गई। लास्ट रह गया हमारा थर्ड केस की मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसको हम बार बार यूज करेंगे, पुट करो सिग्मा कितना है सिग्मा वन कितना है सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट माइनस, और ये माइनस फिर आ गया यहाँ पे माइनस सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा और सोल्यूशन क्या बचेगा हमारा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ओनली, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ओनली, ये थर्ड केस हमारा हो गया ठीक है। तो इन अब अगर आपकी शीट एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है ठीक है, तो इस साइड भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी इस साइड भी नहीं होगी, तो इन दोनों के बीच में होगी, वैल्यू वही रहेगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन ठीक है। दोनों सेम चार्ज की हैं तो बीच में नहीं रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, साइड में होगी। अगर दोनों ऑपोजिट शीट है पैरेलल है सेम चार्ज डेंसिटी है ठीक है, तो दोनों साइड पे जीरो हो जाएगी बीच में रहेगी, वैल्यू आपकी कितनी है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एक शीट की वजह से सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, टू पैरेलल शीट की वजह से सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, वहां से टू रिमूव हो गया ठीक है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ओनली। भाई क्लियर हो रहा है ना आपको, तो ठीक है ये कर लेना आप राइट सारा हो जाएगा जिसको समझ में आ रहा है तरीके से ठीक है। तो ये रहा आपका, अब इस ये टू पैरेलल शीट्स हैं आपकी, दोनों की चार्ज डेंसिटी मान लीजिए क्या है आपकी सेम है, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जो पॉजिटिव से नेगेटिव, उसकी वैल्यू कितनी होगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अभी ड्राइव किया जो लास्ट थर्ड केस था हमारा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव पुट करने के बाद सेकंड रीजन में थर्ड रीजन में क्या आएगा सिग्मा बाय, डायरेक्शन क्या होगी आपके पॉजिटिव शीट टू नेगेटिव शीट, क्लियर। तो ये आपको पता है ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, क्या होगी ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये शीट दोनों सेम है पैरेलल है चार्ज डेंसिटी सेम है, साइन का डिफरेंस है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एट नेगेटिव चार्ज, जैसे सिंगल चार्ज के लिए था पॉजिटिव टू नेगेटिव, शीट के लिए वैसे है पॉजिटिव टू नेगेटिव, और शीट का साइज एरिया सब सेम होने की वजह से तो उनके बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है आपकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो ये कंसेप्ट हमें बार बार यूज करना है कैपेसिटर में पोटेंशियल में, तो ध्यान दीजिए इस लास्ट में, इसलिए आपको यहां तक पहुंचाया ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो टिल देन गुड लक, बी हैप्पी सेफ एट होम, थैंक यू।